हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज तक आप लोगों ने चिकन पकौड़ा तो बोनलेस खाई होगी, है ना। लेकिन आज ना मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बोन के साथ चिकन पकौड़ा, जो कि और भी ज़्यादा यमी लगती है। बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सुपर यमी और सुपर जूसी चिकन। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चिकन चाहिए। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। उसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, अगर आपको तीखापन कम पसंद है कमी डाल सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे विनीगर या फिर नींबू का रस, मैं यहाँ पे विनीगर डाल रही हूँ, आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ना यहाँ पे विनीगर या फिर नींबू के रस के बिना भी एक और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, वो है दही। खट्टा वाले दही लेना है, अच्छे से फेंट के लेना है 2 से 3 बड़े चम्मच। अच्छे से इसको आपको करनी है मिक्स और उसके बाद इसे आपको बिल्कुल एयरटाइट कर देनी है। आप चाहो तो एक एयरटाइट कंटेनर में भी भर के इसको रख सकते हो। अच्छे से कवर करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे कम से कम 1 घंटा के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हो तो रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा बढ़िया आएगी। तो बस मैंने यहाँ पे 1 घंटे तक रख दी थी रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद हमें इसको खोलनी है। इससे होता क्या है दोस्तों, चिकन ना अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है विनीगर के लिए। अभी हमें इसमें डाल देनी है थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस 2-3 चुटकी आपको हल्दी पाउडर डालनी है। लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे फिर से डाल रही हूँ, लेकिन ये तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है दोस्तों, कश्मीरी लाल मिर्च है, बस कलर के लिए। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। 1 बड़े चम्मच डालनी है आपको जीरा पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, लेकिन अजवाइन को ऐसे ही मत डाल देना, हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालना, इससे फ्लेवर अच्छे से बाहर निकल के आती है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, मैंने यहाँ पे रोस्ट नहीं की है, आप चाहो तो रोस्ट करके भी डाल सकते हो। उसी के साथ में आपको यहाँ पे डालनी है बेसन, यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन डाली है और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है कॉर्नफ्लावर। कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हो या फिर उसके बदले में एरारूट भी डाल सकते हो। इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप चाहो तो अंडे भी डाल सकते हो, बिना अंडे के भी बना सकते हो। अगर अंडे डाल रहे हो तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अंडे नहीं डाल रहे हो तो आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। और इसका टेक्सचर ना कैसा होना चाहिए कि ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, सूखा भी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बस एक कोटिंग लगी रहे उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखो बिल्कुल ऐसे अंदर चिकन दिख रही है, बिल्कुल इतने तक ही आपको इसे कोट करनी है। उसके बाद इसको हम लेके चलेंगे सीधा गैस की तरफ। गैस पे मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दी है। अभी फ्लेम को आपको रखनी है मीडियम टू लो पे और उसके बाद एक एक करके हम इस तरीके से सारे चिकन को डाल देंगे। ये फ्राई करने की पहला स्टेप है, इससे हम चिकन को अंदर से पकाएंगे। दूसरी स्टेप में हम चिकन को बाहर से क्रिस्पी बनाएंगे। तो बस आपको इसे ढक के रख देनी है मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक। 5-7 मिनट के बाद ढक्कन को खोलना, इस तरीके से इसको पलट देना। उसके बाद इसे आपको फिर से ढक के रखनी होगी 4 से 5 मिनट तक। तो इस तरीके से फ्राई करने से होगा क्या दोस्तों, चिकन ना अंदर से जूसी होगी और अंदर से पकेगी भी। तो ये देखो ये ना अंदर से पक गई है, लेकिन ये बाहर से क्रिस्पी नहीं बनी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे तेल में से। निकाल के आप एक टिश्यू पेपर में छोड़ देना और इसे ना ज़रा सी ठंडा कर लेना, पूरा ठंडा नहीं करनी है, बस इसको आधे घंटे के लिए साइड में छोड़ देना, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा।
उसके बाद हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो ये लो दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है। ये रही अपनी चिकन के पीसेस। अभी आपको लेनी है एक टिश्यू पेपर और इस तरीके से ना थोड़ा सा आपको प्रेस कर लेनी है। इससे होगा क्या दोस्तों, ये थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी और ये तो अंदर तक बस पकी है, फ्राई तो नहीं हुई है ना। अभी हम इसको डबल फ्राई करेंगे, तब जाके तेल अंदर तक जाएगी और अच्छे से फ्राई होगी और ये क्रिस्पी भी बनेगी। तो बस थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप इसको पूरी तरीके से बिखर दो। तो बस ये बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसको लेके चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे अभी तेल को करनी है आपको बहुत ज़्यादा गर्म और उसमें ये सारे चिकन के पीसेस को हम डाल देंगे। अभी इसे आपको फ्राई करनी है 1.5 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे। चिकन हो चुकी है ठंडा और तेल है बहुत ज़्यादा गर्म, इससे चिकन को शॉक लगेगी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई की है बिल्कुल हाई फ्लेम पे और ये पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं दोस्तों। ये पहला बैच था, दूसरी बैच भी मैं बस यही तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। और क्या, अपनी सुपर जूसी और सुपर क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। आज तक आपने जैसे चिकन पकोड़े खाए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छे वाले चिकन पकोड़े आपको लगने वाले हैं। तो इसको तो एक बार घर पे ट्राई करना ज़रूर बनता है और बना के ना मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले चिकन पकोड़ा कैसी बनी है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोज़ में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।